ओके तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग रॉयल एनफील्ड बुलेट को हम ऐड करने वाले हैं अपनी गेम में। ओके डाउनलोड कर लेते हैं। ओके तो डाउनलोड की फाइल को हमें जाना है अपने 30 PC में डाउनलोड वाले सेक्शंस में। ओके और इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना। ओके यहाँ से इसे डाउनलोड की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग सबसे पहले। ओके तो हमें जो फोल्डर मिला है उसमें चलते हैं। चलिए तो यार JD बुलेट। ओके तो हमें इसे अपनी GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में मोस्ट के फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैं लिखा देता हूँ, सबसे पहले GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको दोनों स्क्रीन को एडजस्ट कर लेना है, फिर जाना है आपको मोड्स के फोल्डर में। यहाँ पे लिख रहा होगा ये मोड्स का फोल्डर आपकी। ओके इसमें जाना है अपडेट में x64 DLC packs में। ओके यहाँ से फिर से लिखा देता हूँ अपडेट x64 DLC packs। ओके यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को लोकेशन। ओके इस सिंपली आपको जो भी फोल्डर डाउनलोड किया उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें। ओके तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन का। कोई अभी हमें ओपन आई भी चाहिए होगा। ओके इसके लिए सभी के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके और हाउ टू मोड GTA 5 में यह वीडियो देख लेना, डिटेल में सब समझाया हुआ है मैंने। ओके ओपन आई भी इंस्टॉल करते हैं और उसे भाई विंडोज़ में चलते हैं ओपन आई वी में। ओके तो स्टार्ट हो चुका है हमारा ओपन आई वी। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, एडिट मोड ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके तो गाइस अभी हमें जाना है यहाँ पे मोड्स के फोल्डर में। ओके यहाँ पे मोड्स का फोल्डर दिख रहा है, इसमें आपको अपडेट में जाना है। ओके गलती से मैं x64 में अपडेट में जाना है, update.rpf में कॉमन में डाटा में जाना है फिर। ओके यहाँ पे लास्ट में आपको dlc-rich.xml करके फाइल दिखेगी। ओके ऊपर लोकेशन देख सकते हो सब कुछ। ओके यहाँ से dlc.xml उसे एडिट मोड में ओपन कर लेना है। ओके गाइस तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ओके सबसे पहले इसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे एक आइटम वाइज जो भी लास्ट लाइन है इसे कॉपी कर लेना है सबसे पहले आपको। ओके तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। चलिए हम कॉपी। ओके यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसे। ओके अब जो लास्ट लाइन है उसी पे जाके एंटर दबाना है। ओके यहाँ पे आके इसे प्लेस कर देना है सिंपली। ओके यहाँ पे अभी देखो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करना है आपको। यहाँ पे MB एडवांस है ना, उसे हमें हटा के हमारा JD बुलेट लिखना है। ओके और जिसको भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो क्या करो, सिंपली अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओ जो भी डाउनलोड किया है। ओके बुलेट वाला फोल्डर। ओके उसमें जाना है और ये जो भी फोल्डर का नाम है इसे कॉपी कर लो यहाँ से। ओके रीनेम करके इसे यहाँ से कॉपी कर लो आप लोग और सिंपली आप यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर दो उस नाम को। ओके तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दो, यहाँ से इसे सेव कर दो, आपका काम हो चुका है गाइस। ओके डन, अभी हम चलते हैं गेम के अंदर गाइस। ओके गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर। तो आपको मेन्यू ट्रेनर ओपन करना है, दोबारा F8 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में जिससे मेन्यू ट्रेनर ओपन हो जाएगा गाइस। ओके तो हम लोग मेन्यू ट्रेनर ओपन हो चुका है, इसमें आपको जाना है व्हीकल ऑप्शंस में, व्हीकल स्पॉनर में, लास्ट में इनपुट मॉडल में जाके JD बुलेट लिख देना है सिर्फ। ओके गाइस तो यहाँ पे आपकी बुलेट स्पॉन हो जाएगी। ओके गाइस तो हमारी बुलेट स्पॉन हो चुकी है, हमें यहाँ पे बैक में जाना है मेन्यू ट्रेनर में और यहाँ पे नीचे मेन्यू कस्टम्स में जाना है और यहाँ से इसकी लाइट्स आने वगैरह है और इसका हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके तो इसके लिए आपको पेंट्स में जाना पड़ेगा, प्राइमरी कलर में जाना है, फिर आपको जाना है मेटालिक में, आप कोई भी अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके यहाँ से मैं दिखा देता हूँ सब कलर्स जो भी आप रखना चाहते हो। ओके बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके तो मैं तो ब्लैक ही रखता हूँ क्योंकि ब्लैक ही कलर अच्छा लगता है, लेकिन आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो सब लोगों के गाइस। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कलर्स मिल जाएगा आप लोगों को जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो।
हाँ ओके, तो हम ब्लैक कलर सी रख लेते हैं। ओके तो गाइस अभी देख लो हमारी बुलेट आ चुकी है, हम इसे चलाए गए हो। गाइस कैसी लग रही है गाइस, जिसने भी बनाई है बहुत मेहनत लगी होगी उस बंदे को। ओके तो उसके लिए एक लाइक कर दो सबसे पहले जाके, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। ओके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना जिससे। ओके तो यहाँ पे एडवांस स्पॉनर से हम स्पॉन करेंगे इसे, तो आपको एडवांस स्पॉनर के F5 प्रेस करना है, सर्च व्हीकल्स में जाना है। ओके यहाँ पे गेम व्हीकल्स से एडवांस व्हीकल्स में जाना है और JD बुलेट में एंटर हुआ देना है, और गलती से हमने बुगाटी की कर ली थी स्पॉन। ओके तो यहाँ से JD बुलेट में जाके स्पॉन कर लो अपनी बुलेट को, जो भी एडवांस स्पॉनर से स्पॉन करना चाहते हैं। ओके तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके और भैया जिसने भी कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो पे किस टॉपिक पे चाहिए, मैं ला दूंगा आप लोगों के लिए। ओके गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।